इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जीत गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर अपने दम पर नगीना जो एससी रिजर्व सीट है उस सीट पर जीत दर्ज की है चंद्रशेखर ने। और इसी के साथ अब सवाल ये पूछा जाएगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी तक बीएसपी जिस भूमिका में रहती थी, मतलब जो एससी वोट है उस वोट के नए रहनुमा के तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या ये चंद्रशेखर आजाद की एंट्री मानी जाए इस जीत के साथ, इस सवाल पर मुझे लगता है जरा चर्चा करनी चाहिए। विजय जी, आपका आंकलन? पहले बीएसपी पर चर्चा कर लेंगे, बीएसपी का जो इस बार रुख रहा उसका नतीजा वहाँ पर दिखाई दिया। हालांकि उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि उसका वोट जो है माइनॉरिटी वोट भले ही कांग्रेस या एसपी के पास चला जाए लेकिन दूसरा जो दलित वोट है वो बीजेपी के पास जाएगा, वो उसके पास नहीं गया। पर इस तरह से बीएसपी अब करीब करीब खत्म होती सी दिख रही है। हालांकि कोई भी पार्टी को आपको राइट ऑफ नहीं करना चाहिए विधानसभा में क्या होगा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद एक नया लीडर दलित समाज के लिए मिल गया है उत्तर प्रदेश को खासतौर से। और वो कितना आगे बढ़ते हैं, कितनी जमीन बनाते हैं, कितना संगठन बनाते हैं, इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और चंद्रशेखर आजाद इस चुनाव में कोशिश ये भी हो रही थी कि किसी तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन बन रहा है उसमें चंद्रशेखर आजाद भी चाह रहे थे कि उनको एंट्री मिल जाए, पर वो हो नहीं पाया। और अगर होता तो फिर एक नई तरीके की सियासत भी उभर सकती थी यूपी में। हाँ, हो सकती थी क्योंकि उन्होंने जितने सीट मांगे थे उतने उन लोगों ने दिया नहीं इंडिया गठबंधन ने, और उनकी विजय से उनको एक स्पेस मिला है। हाँ। और हो सकता है कि एक नई संभावना पॉलिटिक्स से शुरू हो, लेकिन अभी भी बीएसपी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। मायावती एक्सेप्टेड बाई ऑल द सेक्शन ऑफ दलित, जनरेशन ऑफ दलित, मतलब चंद्रशेखर आजाद युवा के नेता हैं और मायावती अधेड़ बूढ़े पत्नी औरत पुर सभी के, हर कम्युनिटी के लीडर हैं दलितों के। तो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिक्स की पॉसिबिलिटी है वो बीएसपी की ज़्यादा है अभी भी, लेकिन भविष्य उस तरीके से लगाम ना कसती बहन जी अपने भतीजे को खुली छूट दे देती, क्योंकि वो जिस तरीके से बीएसपी को मोबिलाइज करते हुए नजर आ रहे थे पर उनको अपरिपक्व है और किनारे लगा दिया मायावती ने, ये उसी का खमियाजा कि बीएसपी का तो सुपड़ा साफ हो गया।